दोस्तों, भिंडी की बहुत तरह की रेसिपी आपने खाई होगी और बनाई भी होगी। आज मैं आपको सामने एक बहुत ही अलग और अनोखे तरीके की भिंडी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना, लेकिन इसके साथ मैंने एक सीक्रेट मसाला यूज़ किया है, जिसकी मदद से जो है ये वाली भिंडी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। आराम से आप इसको पराठे के साथ, चावल दाल के साथ खा सकते हो। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है इसको, आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे मुझे तो फेसबुक पेज को मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है भिंडी, और ये भिंडी मैंने ज्यादा नहीं लिया हुआ है, 250 ग्राम के आसपास भिंडी है। और सबसे पहले क्या करना है, भिंडी को बहुत ही अच्छे से धो करके और काफी अच्छे से सूखे टॉवल से इसको पोंछ देना है, तभी जाकर के बहुत ही अच्छे से भिंडी कटेगा और इसके अंदर का जो लसलसाहट होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा कटिंग करने के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं आपको काटने का भी एक टिप्स देती हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोग काट करते हैं, हाथों पे रख करके कट कट करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, बहुत ही जल्दी ये इसके अंदर का जो लसलसाहट वाला होता है ना, वो हाथों पे चिपक जाता है और फिर वो बहुत ही अच्छे से नहीं कट पाता है। इसलिए जब भी आप इसको भिंडी को कट करें तो हमेशा चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, ज्यादा लसलसाहट नहीं होता है और फिर बहुत ही अच्छे से कटता भी है ये। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी को मैं थोड़ा सा डिजाइन में काट रही हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। बिल्कुल बहुत सारे लोग गोल गोल काटते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से जो है लंबा लंबा काटना है, और थोड़ा चॉपिंग बोर्ड पे काटिएगा तो बहुत ही अच्छे से कटेगा और खूबसूरत सा लुक भी आता है, थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से सभी भिंडी को हमने फटाफट से काट करके हटा लिया हुआ है, साइड में इसको रख लेते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे इसके साथ एक और चीज लेना है, वो हमने लिया हुआ है यहाँ पे 5-6 लहसुन की कली है, और 1 इंच के आसपास मैंने अदरक लिया हुआ है। इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कूट लेंगे। तो कूटने के लिए यहाँ पे जो है इस तरह का जो है छोटा सा कूटने वाला होता है, हर घर में होता है, तो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अदरक है इसको भी काट करके, छोटे छोटे काट करके, और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसका कूट करके एक पेस्ट नुमा बना लूंगी। तो मैं भी इसको कूट लेती हूँ। तो अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छे से इस तरह से मैंने कूट करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप में। तो जो मैंने सीक्रेट मसाला आपके साथ बोला है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे मैंने लगभग 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे जीरा साबुत, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून के आसपास आपको काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर लेना है, साबुत ब्लैक पेपर जो होता है वो लेना है। और फिर लास्ट में हम लेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची, तो 3-4 लाल मिर्ची मैंने रख दिया है, और फिर कसूरी मेथी, जो ड्राई कसूरी मेथी होती है ना, वो ले लेते हैं लगभग 1 चम्मच, और इसको डाल करके आपको बहुत ही अच्छे से भून करके रख लेना है। यहाँ पे है थोड़ा सा आप सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सौंफ नहीं डाला है, थोड़ा सौंफ भी डाल करके इसको ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। कुछ ही देर में आपको बहुत ही अच्छे इसके अंदर की खुशबू आने शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब आपको लग जाएगा कि बहुत ही अच्छे से मसाला जो है भून चुका है। तो इसको निकाल करके बहुत ही अच्छे से ठंडा होने दे, और फिर उसके बाद इसको हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार लिया हुआ है, यानी कि और सभी मसाले को इसके अंदर डाल करके बहुत ही अच्छे से इसका ढक्कन बंद करके बिना पानी के ही बहुत ही अच्छे से बनाना है, पेस्ट बनाना है इसका, सॉरी पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको पीस लिया हुआ है, और जितना मसाला हमें नहीं लगेगा, लगभग 1 चम्मच ही लगेगा आप मसाले को इसको यूज़ करके, और फिर एयर टाइट कंटेनमेंट बंद करके रखिए बाद में यूज़ करने के लिए। उसके बाद कढ़ाई लिया है, यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें लगभग 3 चम्मच से 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखे जितने भी आप खाते हैं, क्योंकि तभी आपका भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल लिए हैं बहुत ही अच्छे से गर्म करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने काली वाली जो है सरसों का जो दाना होता है ना, वो डाल दिया है, तड़का लगाया उससे, और जैसे उसके अंदर से बहुत ही अच्छे छिटक छटकने की आवाज़ आएगी, बस हमारा जो है इसका मतलब सरसों बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब डालते हैं इसके अंदर हमारे कटे हुए भिंडी, और भिंडी को डाल करके आपको यहाँ पे दोस्तों बिना ढके हुए ही यहाँ पे आपको तेज गैस पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से, जब तक इसके अंदर की चिपचिपाहट खत्म नहीं होती है, तब तक आपको इसको पकाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, तो बिल्कुल भी ढके नहीं। जैसे ढकोगे क्या होगा, सारी भिंडी जो है टूटनी शुरू हो जाएगी और फिर बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। इसलिए तेज आंच पे आपको बिना ढके हुए यहाँ पे 3-4 मिनट तक इसको बिना चिपचिपाहट खत्म होने तक फ्राई करना है। तो कुछ ही देर में देखिएगा इस तरह से आपको जो है फ्राई मिलेगा, यानी कि आपका भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसके अंदर की जो है चिपचिपाहट खत्म हो चुकी है। तो जैसे इसके अंदर की चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी, इसमें हमने जो कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट था ना, वो हम डाल देते हैं, और इसको डाल करके भी आपको यहाँ पे लगभग
चलाते हुए आपको 1 से 2 मिनट तक भूनना है, जब तक अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से इसके अंदर भून ना जाए और कच्चापन इसका दूर ना हो जाए। तो एक कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगा और भुना भी जाएगा। तो जैसे हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टेबल स्पून के आसपास कलर के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ये जो हमने पिसा मसाला था ना, सीक्रेट मसाला, वो डाल देते हैं लगभग 1/4 आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। और फिर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची लिया हुआ है, लाल मिर्ची आप अपने तीखे हिसाब से कम और ज़्यादा रखे, ऑलरेडी मैंने सीक्रेट मसाले में भी यूज़ किया था इसलिए कम डाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ स्वाद के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, कुछ ही देर लगेगा इसको, ज़्यादा मसाले ऑलरेडी फ्राई हो जाएंगे, कुछ ही सेकंड इसको चलाइएगा तो जितने मसाले आपने डाले ना सभी फ्राई हो जाएगा। तो जैसे हमारे सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून के आसपास चाट मसाला पाउडर, या फिर इसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसको डालकर भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो आपका जो भिंडी है ज्यादा पका भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा कच्चा भी नहीं है, इसको बहुत ही ज्यादा आपको पकाना नहीं है, बहुत ही लजीज बनती है दोस्तों। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में सुबह सुबह बना करके दे सकते हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए। तो बस हमारा भिंडी फ्राई बन करके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कम मसाले में भी बना है। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, बिल्कुल अलग तरीके से है। आप इसको सुबह सुबह ज़रूर बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए और बच्चे इसको बहुत ही खुशी से खाते हैं। भिंडी सभी लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन बच्चे को इस तरह से भून के दीजिएगा, फ्राई करके दीजिएगा ना, भिंडी का भुजिया आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बच्चे इसको बहुत ही खुशी से खाएंगे। तो बस हमारा हो चुका है आज का भिंडी फ्राई बिल्कुल सीक्रेट मसाले के साथ। इसको आप गर्मा गर्म से सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ इसको ले सकते हैं, और साथ के साथ ही आप चावल दाल के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना बनाना, तो आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आपका भिंडी फ्राई इस तरीके सीक्रेट मसाले के साथ कैसा बना है। अच्छा बना होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा जरूर। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और फेसबुक पेज पर मुझे देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें मुझे, वहाँ पर भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।